खबर नजर सत श्री अकाल जी। प्रोग्राम खबर ते नजर हरजिंदर वालिया शो विच तुहाडा स्वागत। प्यारे दर्शकों, काफी दिन का इंतजार सी कि अज चोन नतीजे आउण। कल्ले चोन नतीजिया का जिहड़ा इंतजार नहीं, करनाटका ते छे होर सूबिया के विधानसभावां दे, बल्कि जिमनी चोन जलंधर दे, ये सारा इस करके भी सानू इहदा इंतजार है कि 24 दे विच जो कुछ होना है उहदा ये ट्रेलर है, उहदा ये टीजर है, उहदा संकेत मिल जाना है सानू। वैसे काफ़ी हद तक संकेत ठीक ही होंदे ने, जिवें कर्नाटक विधानसभा दे विच एग्जिट पोल दे नतीजे आए कि कांग्रेस अगे होएगी। हुण मेरे सामने जिहड़ी नतीजे आ रहे ने, 90-224 दे विचों बीजेपी, 113 कांग्रेस और 14 जेडीएस। 113 ही चाहिए ने सरकार बनाने लई। 10 एग्जिट पोल होए सी, 10 चों 4 ने कांग्रेस की सरकार बनाई सी। हुणे देखदे आ एग्जिट पोल सही होंगे ने, क्योंकि 5 ने यह भी कहा सी कि उत्थे हंग असैम्बली होएगी। लेकिन अपना ज़्यादा इंटरेस्ट, अपनी दिलचस्पी तो जलंधर जिमनी चोन नाल है, और जलंधर जिमनी चोन दे विच इस करके भी दिलचस्पी है कि की आम आदमी पार्टी संगरूर तो बाद जो उन्हां दी नमोशी हुई सी सत्ताधारी धिर दी, उन्हूं साफ करेगी, वो तो उभरेगी, जा फिर जलंधर दी सीट गवा के दोहरी नवोशी जिहड़ी होएगी ते लोग के कहणगे कि मोह भंग हो गया एक साल ची आम आदमी पार्टी तो। इस करके ये साढ़े लिए काफ़ी जरूरी है, जिन्नी कि आम आदमी पार्टी लिए जरूरी है। उस तरह सरदार प्रकाश सिंह बादल दे जाण तो बाद जे अकाली ये सीट जित जाते ने तो उन्होंने मुड़ रिवाइवल का जोड़ा प्रोग्राम है लगभग शुरू हो जू, जे जित जाते ने। बल्कि मैं तो यह भी कहना जो दूजे नंबर से आते हैं तो भी उन्होंने काफ़ी बड़ी जित मनी जाऊगी। हार जित अज पता लग जानी है, हाले रुझान जोड़े ने वो आने शुरू नहीं हुई, क्योंकि घंटा सवा घंटा तो लग जाता है ईवीएम नू जिहड़े हल्कियां च जाण ते जिथे चोणां दी गिनती होनी हुंदी है खुल्लण ते। जदों 16 लख वोटां चों 54% जिहड़ियां वोटां पईआं ने, 9 लख वोटां दी गिनती जिहड़ी है, टाइम लगेगा। लेकिन विधानसभा दे रुझान कर्नाटका दे आउणे शुरू हो गए, तो ये सारा कुछ अज सारा दिन असीं तुहाडे नाल गलबात भी करते रहेंगे। तो तुहानू इत्थे हुणे ही दस दिंदे आ कि 4 बजे तो लैके ओन वर्ड्स समझो कि 6:45 तक असी अज एक विशेष प्रोग्राम करना है विधानसभा ते जलंधर दी जंग विशेष प्रोग्राम, जो नतीजा ते उन्हां दा एनालिसिस करांगे, कौन हारिया, क्यों हारिया, कौन जितया, किहड़े मुद्दे करन जित हो सकती है। हालांकि मुद्दा हीन चोण मनी जाती है यह, लेकिन फिर भी समय समय से मुद्दे उभारे गए, बनाए गए और एक दूजे से दोष लगे। जिन्ने दोष इस बार इस इलेक्शन च लगे उहदा कारण भी यही लगता कि कोई केंद्रीय मुद्दा नहीं सी। लोकल जिहड़े कुछ मुद्दे सी उन्हां दी भी गल करांगे। ये असीं तुहाडे नाल 4 बजे साढ़े जिहड़े माहर विद्वान ने उन्हां नाल गलबात करांगे। पोलिटिकल पार्टीज तो अज असी थोड़ा अवॉइड करांगे, और असी सिर्फ ते सिर्फ चिंतक विद्वान सियासी पंडित उन्हां नाल गल करनी है। खैर, हुण जिहड़ी गल आपां करनी है वो तो यही है कि विधानसभा जिहड़ी, क्योंकि कर्नाटक ने भी बहुत कुछ जिहड़ा है वो साडे सामने लैके आउणा। कारण ये है
कि जिस तरीके नाल बजरंग बली का नाम छे छे जयकारे बुलाते सी मोदी साहब, और ये कहा उन्होंने कि बजरंग बली का नाम लैके तुसी वोटा पाओ, जे धर्म का पत्ता उत्थे नहीं चलता तो कांग्रेस जित जाती है। फिर हौसला विरोधियों को यह हो कि इस बार 24 की इलेक्शन च भी धर्म का पत्ता नहीं चलू। दूजे पासे राहुल गांधी जी ते करोड़ों रुपए खर्चते इनू पप्पू बनाने, खुद कहते हैं वह जिमें उन्होंने जी भारत जोड़ो यात्रा में रिस्पोंस मिलिया कि सचमुच ही राहुल गांधी बड़े लीडर के तौर पर इमरज हो जाएंगे। ये भी अज के नतीजे ने काफी हद तक तय करना है, बिल्कुल उस तरीके नाल जिवें पंजाब दे विच इन्नी जिहड़ी है कह गच लड़ाई तो बाद किस पासे नूं पंजाब ने जाना है, भारतीय जनता पार्टी का की उत्थे भविख होएगा, ये सारियां गल्लां अज तय हो जाणगियां। वैसे मैं तुहानूं जे दस तां कि जिहड़े एग्जैक्ट पोल ने कर्नाटका दे, उन्होंने 5 ने हंग असैंबली कीती हुई है, हुण तक 14 विधानसभावां दे आ चोणां 14 बार हो चुकियां ने उत्थों दी, यानी 38 साल तो कोई भी पार्टी सत्ता रिपीट नहीं कर सकी। ये भी देखने वाली गल है, 1999 ते 13 दे विच सिंगल पार्टी जीती सी, 4, 8, 18 जे कोई बड़ी पार्टी की गल करिए 2004 च, 2008 च, 2018 च भारतीय जनता पार्टी बनी, ते पिछले साल जिहड़ी पोलिंग हुई सी 73% हुई सी, एती 74% है। ते एक बंदे का जिक्र करना बनता है देव गौड़ा का, जिहड़ा 94 दे विच जिहड़ा पहली बार सत्ता च आया सी, 99 च जनता दल सैकुलर बनिया सी, ते जिहड़ा जनता दल सैकुलर है इस बार भी वह किंग मेकर की भूमिका च होएगा, ये देखने वाली गल है। वैसे पिछे नालों सीटा घट ने, हुण मैं देख रहा है कि 15 सीटा ते वो अगे चल रहे ने, कांग्रेस 108 ते 96 ते चल रही है भारतीय जनता पार्टी। ते आपां अपने वल नूं वधीए ते अगलियां खबरां वल नूं वधीए, जो कुछ हुण यूपी दे विच उत्थे भी 2 विधानसभा सवार ते शान विच है, उत्थे वोटां बहुत घट पईआं ने, 39% पईआं ने शान विच तां, ते उड़ीसा दे विच भी एक विधानसभा सीट दी है, मेघालिया दे विच भी है, ये सारा कुछ आपां जिक्र करदे रहांगे। हुण आपां अगे वधीए अगली खबर, जिन्हें पंजाब नूं हिला के रखिया, जिन्हें पंजाब सरकार ते बड़े सवाल खड़े किए, पंजाब सवाल जिहड़ी पंजाब सरकार दी पुलिस ते सवाल खड़े किए, ते ये भी सवाल खड़े किए कि जिहड़े गुरसिख 5 फड़े ने अमृतसर साहिब दे धमाकियां लई, जे वो सचमुच ही किसी ऑर्गेनाइजेशन लई कम कर रहे ने, कट्टरवादी ने, अमृतधारी ने, फिर उन्होंने इत्थे आके क्यों धमाके किए, बहुत सारे सवाल ने जिहड़े लोगों के मनां च ने, उन्हां चों कुछ दा जवाब मिलदा नजर आउंदा है। पुलिस की थ्योरी किन्नी क सही है, किन्नी क ठीक है, यदी भी चर्चा चल रही है। देखो उन्हां चों सब तो ज्यादा आजाद वीर का नाम आउंदा है, जिन्हें 2 बंब लैके जदों जिहड़े सारागढ़ी पार्किंग दे विच धमाका होया है, उस रात फोटो खिंची सी जिहड़ी वो पाई हुई सी आपदे उहदे मोबाइल चों मिली है, बाकी की उन्हां नूं कितों बाहरों फंडिंग हुंदी सी, ये सारे सवाल चल रहे ने। मैं इन्हां बारे कोई ज्यादा गल डिटेल च नहीं करनी क्योंकि कल आपां कर चुके हैं, FIR तुहानूं याद है आजाद वीर अमरीक सिंह, साहिब सिंह, हरजीत सिंह ते धर्मेंद्र सिंह ते हुई है, ते लेकिन मैं ये गल जरूर कहना है कि जिहड़ी चिट्ठी जोड़ के हुण पढ़ी है वो मैं भी पढ़ी है, और वो चिट्ठी मैं थोनू दस दिना कि उहदे च लिखिया ये है कि क्यों धमाके किए। वो ये कहिंदा है कि असीं समूह हिंदुस्तानियां जां हिंदुस्तान वासियां नूं ये बेनती करदे हां, ये चिट्ठी जे तुसीं पढ़ सकदे हो साडी स्क्रीन ते भी तुसीं देख रहे हो, असीं बेनती करदे हां कि श्री दरबार साहिब श्री अमृतसर विखे ਨਿਮਾਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਤਿਰੰਗੇ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗਰੁੱਪ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਮੁੱਲਾ ਸੇਖੋਂ ਗਰੁੱਪ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੋਨੇ ਧਮਾਕੇ ਦਾਸ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀਰ ਦੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੇ ਥਿਉਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥਿਉਰੀ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ SGPC ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ SGPC ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਪੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਡਰੱਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਨੈਚਿੰਗ ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਬਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਬਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ, LG ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਹੀ ਆ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਸਾਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮੋਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤੀ, LG ਦੇ ਉਹ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਤੀ। ਯਾਨੀ LG ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ VK ਸਕਸੈਨਾ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਨਿਆਣੇ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫੇਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਸਿੰਘੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਹੈ, LG ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣਾ, ਬੜੀਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਅੰਗ ਵਜੋਂ ਸੁਪਰ CM ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਜਿਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੰਗਣੀ, ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਪ੍ਰਨੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੋਹਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਪੂਰਥਲਾ ਉਸ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 2645 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੋਂ।
श्रोमणी अकाली दल जी का मैं हुणी जिक्र करके हटिया है 1925 वोटां नाल ते कांग्रेस 1552 वोटां ने कांग्रेस दियां ते भारतीय जनता पार्टी दियां 184 वोटां ने। देखो इस बड़ी गल स्पष्ट ये भी है कि जिहड़ी मुढ़ली गिनती हो रही है ये पेंडू इलाके की हो रही है। ये दो कारण नजर आते हैं, एक तो 184 जे कि शहरी जलंधर चों बीजेपी की वोट ज्यादा नजर आनी सी, पिंड च तो बूथ ही नहीं लगे। तो इस तरीके जो 1925 अकालिया दे आ रहे हैं ये तो भी लगता है कि इनिया वोटा जो पैदा ने पिंडा दे विच उन्हां दा आधार है। बाकी सत्ताधारी धिर है और बड़े 6 MLA जिहड़े ने ओह वोटां वाले दिन 12 MLA जिन्हों कहते हैं वह उत्थे सी, जिन्हों बाजवा साहब ने कल कहा कि गुंडागर्दी हुई है बड़े पद्धर से। तो यह आप खबर अगे जाके लवेंगे। फिलहाल तो मैं थोनों सिर्फ रुझान दसना सी और कर्नाटका का रुझान भी अप डाउन हो रहा है। हुण भारतीय जनता पार्टी 93 से अगे है और 111 से अगे जा रही है कांग्रेस पार्टी, तो JDS जी है जनता दल सैकुलर हूँ 20 सीटा तो अगे चल रही है। खैर हुण आपां अगली खबर वालों आईए। देखो अगली खबर जिहड़ी है वह ब्रिज भूषण सरन सिंह की लैनी पैनी है जां लैनी चाहीदी है। 6 वार दा सांसद है, बिल्कुल नहीं मनदा मैं कुछ कहा। वह तो यह कहता है कि हरियाणे दीआं कुड़ियां ने हरियाणे दीआं छोरियां ने सियासत लई मैनूं फसा रहीआं ने, होर देश दीआं कुड़ियां नूं मैं क्यों नहीं कहा। वह तो कल पुछगिछ हुई, सिट जिहड़ी बनाई है उन्हें पुछगिछ की, 3 घंटे की पुछगिछ दे विच उन्हें अपने आप को निर्दोष दसिया। कुश्ती फैडरेशन का प्रधान है तो दूजे पासे ये जिहड़ियां पहलवान औरतां बैठिया ने धरने से वह भी उन्हां दा वैसे इन्नी तो हिम्मत है कि 2 FIR दर्ज करा गईआं। वह भी अजिहे बंदे ते जिदे बारे मोदी साहब एक अखर नहीं बोलते, भारतीय जनता पार्टी जिदे बारे चुप है, चुप भी किस्म की सपोर्ट होंगी है जिहड़ी ये कह ली कि भारतीय जनता पार्टी भी जिदी सपोर्ट कर रही है ब्रिज भूषण शरण सिंह। वैसे मैनू ये गल कदे भी समझ नहीं आई कि जिवें ये खिडारना उत्थे बैठिया ने, साढ़े देश के खिडारियों नू भी की हो गया। मतलब आपां बाकी जिन्ने मर्जी नारे लाई चलो हम आपके साथ हैं, सारा देश थोड़े साथ है, ऐसा कुछ नजर नहीं हाले तक आया। जे सारा देश नाल हुंदा ते आपां खिडारियों की गिनती कर लीए किन्ने क बंदे जिहड़े ने उन्हां दे हक च बोल रहे ने। कपिल देव का बोलना इस करके लगता है क्योंकि वह भी हरियाणवी है, हरियाणा वाले तो उन्होंने तो बोलना ही बोलना, हरभजन ने भी बोलना क्योंकि वह अजकल आम आदमी पार्टी का नहीं। किन्ने खिडारी नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस का, प्रियंका गई है वह भी जाता, लेकिन किन्ने बड़े खिडारी ने उन्होंने वीडी लिस्ट आप कढ़ सकते हैं जिन्होंने एक अखर भी इन्होंने खिडारियों के हक च नहीं बोले। उन्होंने वे सवाल ने, सचिन तेंदुलकर भारत रत्न क्यों नहीं बोलिया, भी हाल तक नहीं बोलिया। तो यह भी एक सवाल है जिहड़ा आपां नूं जिहड़ा जिहदे जवाब मंगणे ने कि सचमुच इन्हां दे नाल, हाँ इन्हां दे नाल किसान ने, इन्हां नाल खाप पंचायतां ने, खिडारियों दे नाल ओह लोग ने जिन्हां ने पहलां लड़ाई लड़ी, जिहड़े लोग ये समझदे पिंडां दीआं कुड़ियां ने साडीआं कुड़ियां ने। कोई भी शहरी चाहे वह बैडमिंटन है, टेबल टैनिस है, महंगीआं खेडां वाला कोई भी खिडारी इन्हां दे नाल उत्थे नहीं नजर आया, क्योंकि वह शहरियों की खेड जिहड़ी है वह इउं लगता है कि उन्होंने जां तां उह नाराज नहीं करना चाहते। यह लड़ाई तो असल दे विच जिहड़ी उन्होंने खिडारियों की है जिहड़े सचमुच मिट्टी नाल जुड़े ने, क्योंकि खेड ही मिट्टी की है यह। खैर आप अगे वधीए। वैसे किसानों ने कल अग्रहा ग्रुप ने भी, डकौंदा ग्रुप ने भी इन्हां दे हक दे विच कल भी प्रदर्शन किए। खैर हुण आपां अगली खबर नूं देखिए। देखो जोगी पता नहीं जिहड़े जोगी साहब ने जिहड़े यूपी दे मुख्यमंत्री ने दित्या योगी, वह योगी ने जां योगी दा भगवा उन्होंने कपड़े पाए हुए ने, मैं भगवा पेश नहीं कहता,
जो सियासतदान पहला ने यह फैसला लोगों ने करना है। लेकिन जिस तरीके नाल गुंडा आंसर जरा गुंडा गैंगस्टर खत्म करने की गल बाहुबलिया खत्म भावें वह एक तबके दे एक भाईचारे न संबंधित हो उसे बुलडोजर चलता है। वो योगी ने कल अपनी कैबिनेट नाल बैठ के फिल्म देखी। केड़ी फिल्म देखी? दी केरल स्टोरी। और सारे एक्टर्स नू उत्थे समेत प्रोड्यूसर डायरेक्टर जिहड़े नाल सी उन्हां नू सम्मान भी दिता। चलो ये तो उन्हां दा हक है। पर हुण जिथे बीजेपी दी सरकार है जिहड़े सूबे च भाजपा ही ने सरकारा उत्थे दी केरल स्टोरी जिहड़ी है वह सियासी मुद्दा बन गया। तो कल तो होर भी बन गया। कल क्यों बन गया? सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल खड़ा करता बंगाल से तमिलनाडु से भी जो सारे दे सूबे फिल्म चल रही है तो थोनों की दिक्कत है? तुम बैन क्यों किया? थोड़े सूबे च की कारण है? असल ये फिल्म ये तो नहीं मैं कहता पर नफरत जरूर अवेयर भी कर दी है। जेड़े सच दसे ने भावें फिल्म फिक्शन होंगी है पर कई बार तत्थों के आधार पर भी फिल्म बन जाती ने। जेड़े तत्थ अखीर च कुड़ी दावे करती है फिल्म की हीरोइन भी कितने ने 52,000 कुड़िया जिड़िया गायब कीतिया ने। तो जे सच है तो कितने ना कितने लव जहाद के मामले के विच एक खास तबके नाल जिड़ी गल ममता बैनर्जी कहती है नफरत भी पैदा होती है। पर सियासी तौर पर हिंदुत्व की गल सियासी तौर पर भारतीय जनता पार्टी को यदा फायदा होंगे तो भारतीय जनता पार्टी इस तरह दिल्मा पहला भी चाहे वह कश्मीर फाइल्स होवे थोड़े याद हो जो मोदी साहब पहला जिते सी उदो पहला एक फिल्म आई सी जिहड़ी प्रेस सैकटरी होंगे सी डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पीएम हाउस के उन्होंने स्क्रिप्ट से दी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर वह भी आई सी। खैर हुण आपां अगे वधीए अगली खबर। बच्चे खुश ने कल दे? बहुत खुश ने। खास तौर पर कुड़ियां खुश ने क्योंकि सीबीएसई ने कल रिजल्ट देता सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का नतीजा कल आ गया सी 10वीं ते 12वीं का। तो बाबा वधिया जे कहीए कि इस बार फिर कुड़ियां बाजी मार गईं तां कोई दो रावां नहीं हो। कुड़ियां बाजी इस करके मार गया भावें मैरिट लिस्ट उस तरह नहीं लेकिन ये तो आ गया ना कि जिवें हुण 12वीं का जिहड़ा नतीजा है वह 87.33 जिहड़ा है वह फीसदी है तो पिछले साल नालों घट है। पास होए ने पिछले साल 92% बच्चे पास होए सी 12वीं च। फिर तुसीं कहो जी कुड़ियां दी बाजी वाली कि गल है? कुड़ियां दी बाजी वाली ये गल है कि कुड़ियां पहला नालों 6% वध पास जिहड़ी कुड़ियां दी पास जां सफलता दी जिहड़ी प्रतिशत है परसेंटेज है 90.68 है ते मुंडे जिहड़े ने 84.67 ने। फर्क तां पै गया ना? कुड़ियां बाजी तां मार गईआं 6% नाल मार गईआं चाहे 10वीं च भी यही हाल है। 10वीं च कुड़ियां पास ने 94.25 मुंडे ने 92.22। तो यदा मतलब कि 10वीं च भी तो 12वीं च ज्यादा गिनती दे विच कुड़ियां पास होईआं ने। हुण आपां गल करिए अगली अगली गल ये है कि एमएलए चाहे हुण जिते तो देखो रुझान च जिहड़ी है आम आदमी पार्टी हाल दी घड़ी अगे चल रही है लेकिन जो कुछ पिछले दिनी हुई है उहदा तां जिक्र कर सकदे हां। होया तां ये सी कि शाहकोट दे एमएलए हरदेव सिंह लाडी शेरों वालिया ने रुपा वाले पिंड दे विच रोक लिया सी बाबा बकाला दे जिहड़ा एमएलए है दलवीर सिंह टोंग ते पुलिस नूं बुला लिया सी ते उहनूं फड़ाता सी भावें कि अगे जाके सत्ताधारी धिर दा एमएलए सी चढ़ता सी उहनूं ते हुण उल्ट होया। कल एफआईआर होई लाडी शेरों वालिया दे ते इस नूं लैके सारे इकट्ठे हो के राजा वड़िंग प्रताप सिंह बाजवा कल फिर गए एसएसपी दे दफ्तर।
एसएसपी देहाती जलंधर सुखविंदर सिंह भुल्लर ते उन्हूं कहा कि तुसी कर रहे हो धक्का। तो वह कहता कोई धक्का नहीं, असी सिट बना थी, असी उह इहदी जांच करूंगी, ये उन्होंने कहा। तो वैसे राजा बड़िंग नूं मैं सुन लिया से कहते मामला बिल्कुल गलत दर्ज होया। बाजवा साहब कहते नहीं गुंडागर्दी, देखो गुंडागर्दी तो काफ़ी हद तक इस करके है कि वीडियो बनदिया नज़र आउंदियां ने। एमएलए भोला जिहड़ा लुधियाणा मोटरसाइकिल ते जदों उहनूं सरबजीत सिंह मक्कड़ घेरदा है वह मोटरसाइकिल ते भजदा दिखाउंदे ने, तो वीडियो बनिया हुई ने। पर मैनूं एक एमएलए आम आदमी पार्टी का लीडर कहता कहना जी ये वीडियो जिहड़ियां फोटो इन्हां ने फायदा बड़ा देना। मैं क्यों कहता जी असीं फिर केजरीवाल साहब नूं भेज दें आ देखो भी असीं की कीता। सो इस तरह के हालात के शेरों वालिया से जोड़ा है वह तो कहते बूथ कैप्चर कर आए थे असी नहीं बन देते यूपी तो बिहार। दूजे पासे बाजवा साहब कहते गुंडागर्दी बहुत की इन्होंने। खैर आप अगली खबर वालों बधिए। एक खबर बनाई कल मान साहब की सरकार ने कि पंजाब दे विच जिहड़ी कोडिंग है स्टैंप पेपर कोडिंग जिहनूं कह दिंदे आ आपां पंजाब दी स्टैंप पेपर दी कलर कोडिंग जिहड़ी है उहदे विच पंजाब पहला सूबा बणिआ। हुण उत्थे जिहने भी कोई इंडस्ट्री लाउणी है उहनूं हरे रंग दा ग्रीन स्टैंप पेपर जिहड़ा है लैणा पऊगा। ते जदों उह इनवेस्ट पंजाब दे पोर्टल ते जाऊगा ते उत्थे अप्लाई करूंगा ते फिर वह कहते भी दो हफ्तों दे विच सारियां जिहड़ियां क्लीयरेंस है वह मिल जानी है। यह कहा गया है किहड़े किहड़े जिहड़े फैक्टरी लाउण लई जदों तुसीं अप्लाई कर दिंदे हो सी एल यू की लोड़ हुंदी है ते सी एल यू जिहड़ा है चेंज ऑफ लैंड यूज 10 दिनां दे अंदर जांच होगी ते क्लीयर होगी। ते दूजे पासे वह कहते जिन्हें भी प्रदूषण का सर्टिफिकेट लेना होता है पोल्यूशन बोर्ड तो फॉरैसट वाले तो क्लीयरेंस लेनी होती है फायर ब्रिगेड की जिन्या भी फॉर्मेलिटीज ने वह सारिया हो जाएगियां जे तुसी ग्रीन स्टाम्प पेपर से जोड़ा है अप्लाई कर दे। जिहड़ियां वह कहते भी जिहड़ी फीस है वह दिती जाएगी पर हालांकि दूजे पासे ये भी क्या है महंगे होंगे और ये सारिया फीसा पहला भर दिया पैनगियां जेडे ये गल भी लगातार हो रही है। खैर फीसा दिया जिहड़ियां रसीदा ने थोड़े मोबाइल से आ जाएगियां। मान साहब का स्टेटमेंट सी कि असी सूबे दे विच इहनू इंडस्ट्री नू कर रहे हैं असी उत्साहित। खैर हुण आपां अगली खबर जिहड़ी है अगले हिस्से च लैणियां ने कुछ खबर उन्हां दा जिक्र कर लीए। उन्हां दे विच देखो SDM जिहड़े जे केस कीता सी FIR कराई सी शिकायत कीती सी सुखपाल सिंह खैरा दी जदों उह मुआवजे दे मामले च उह लाइव हो के SDM नूं उन्होंने फोन कीता सी। उह कहिंदा मैनूं धमकियां दित्तियां ने फिर गैर जमानती भी उन्हां ते लग गया सी ते जिहड़ा केस भी जमानत नहीं होनी उह वारंट जारी होई सी उहदे च मिल गई कल जमानत। उहदा आपां जिक्र कर रहे नवजोत सिंह सिद्धू दा सिक्योरिटी वाला 18 मई नूं हुण चुने जाणा केस उहदी भी गल करनी है। एक दो इंट्रस्टिंग खबरां एक 30,000 महीने वाली ठेके ते लगी हुई इंजीनियर कुड़ी दे कोल जिस तरह 65 तक कुत्ते अलग अलग किस्म दीआं गऊआं 7 कारां ਜਾਣੀ ਔਰ ਇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਇਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੁੜੀ 'ਤੇ ਹੁਣ ਛਾਪਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਅਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾਡ ਦੇ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਫੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਇਹ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰ ਲਿਆ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੋ ਇਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਗਿਆਨ ਬਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ
कार्बन जी जांच होनी है वह भी जिक्र जिन्ना टाइम मिले करा। इमरान खान दिया हर रोज गल करते आप हूँ जी इमरान खान बाहर कड़िया है जमानत तो दी देती 17 मई तक वो किसी भी केस च गिरफ्तारी नहीं होनी यदा भी जिक्र करना है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर भी तुम दसागे कि यह कुछ रूस च भी होंगे पुतिन की कबर ते एक औरत गई जाके उत्थे एक नोट रखिया कहती भी सारी दुनिया नू इन्हें दुखी किया पाया है ये तुसी कहे जा मुंडा जमया सी आपदा सारे कहते नहीं भी ये दुनिया तो तुर जे मर जे इस तरह का नोट उन्हें लिखा सी। थोड़ा मुंडा कहते पागल है उन्होंने 2 साल की कैद करती सिर्फ इन्ना क नोट लिखन के कारण यदा भी आप जिक्र करते हैं। देखो मैं थानू पहले हिस्से च दसिया सी कि कपूरथला हाउस जिहड़ा महाराजा कपूरथला जिहड़ी आलूवालिया स्टेट सी कपूरथला नवाब जस्सा सिंह आलूवालिया दी उहदा एक उत्थे रहण लई कपूरथले वालिया ने जिहड़ा बनाया सी दिल्ली च हाउस उहनूं कपूरथला हाउस जिहड़ा कहिंदे ने। ते कपूरथला हाउस अज कल पंजाब दे सीएम दी रिहायश होंदी है जदों दिल्ली जांदे ने ते उहनूं हुण क्योंकि पंजाब तां दिल्ली है ते दिल्ली दे च बहुत कुछ जिहड़ा है पंजाब दे विच उह हो रिहा है जिहड़ा कदे सोचिया नहीं सी। जिवें हुण एक चर्चा होर हो गई उह इह हुई कि जिहड़ी बाबा फरीद यूनिवर्सिटी है उहदे विच पंजाब वालिया दे मैं जिहड़ा सिख स्टूडेंट फेडरेशन दे प्रधान दी स्टेटमेंट देख रहा सी कहिंदे इक्को ही सिख डॉक्टर सी उहदे च उहदा नाम भी कटता जिहड़ी सारे दिल्ली तों लै के उहने जां हरियाणे तों जां दिल्ली तों ये सारा कुछ ही दिल्ली तो चलता है ये लगातार इल्जाम लगते रहे। और ये राघव चड्ढा का भी जो अज होना इतने वो भी कपूरथला हाउस के बाहर जो होना हालांकि ज्यादा बंदे नहीं पर ज्यादा बंदे जिन्ने के नेड़े दे ने मान साहब केजरीवाल और सारे मंत्री जेड़े भी उत्थे इन्हां दे नेड़े ने तो जानगे जानगे। और जिस तरह के ट्रेंड चलते ने जे इलेक्शन जलंधर दिए जित जाते ने तो होर खुशी होगी लेकिन सारे कुछ के बिच खुशी जे नहीं होनी तो मनीष सिसोदिया नहीं। मनीष सिसोदिया की जड़ी हिरासत है जी जुडिशियल कस्टडी है जी जेल है वो हूँ 2 जून तक बद गई जी हाले उन्होंने जून जेल के बिच ही रहना पेगा। उसकी पहला भी बार कई बार जमानत की अर्जी खारिज हो चुकी है उदू पहला सतेंद्र जैन की तो साल हो गए लगभग ये वक्री गल है कि जेल च बैठा वो मालिशा भी कर रहा है वधिया खा रहा है आखिर भाई जेल मंत्री भी तो है। सो राघव चड्ढा खुश हो पंजाब ये कह के खुश हो सकता है देखो असी जी सीट जित नहीं जे जित जाते हैं तो मनीष सिसोदिया जोड़ा है वह दुखी होगा क्योंकि 2 जून तक कोई उन्होंने राहत नहीं। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी हमेशा खबरों च रही है तो इन्होंने दिन भी खबरों च है। हाई कोर्ट जो पंजाब से हरियाणा हाई कोर्ट है एक केस गया कि जी 11 के बिच ये जी है अवधि खत्म हो गई हूँ तक कर लो 12 साल हो गए चलो मान लो 16 तो बाद भी हूं तो हो गया 11 5 16 जी वो टर्म भी निकल गई हूँ क्यों नहीं चोणा होती है। तो फिर दसाया गया कोर्ट को कि पंजाब से हरियाणा पंजाब सरकार ने अपने कमीशन ही नहीं बनाया अपने प्रबंध ही नहीं किए वोटा ही नहीं जो दोबारा रिन्यू कीतियां ते वो फिर कहा गया भी इन्हों धिर बनाओ पंजाब ते हिमाचल लो इस तरह की भी गल कल कोर्ट चली। वैसे सिमरजीत सिंह मान जिथे भी बोलते हैं कहते हैं सारे बोलते हैं अच्छा कि ये एक्ट जो 1925 बनया
जे बाकी चोणा हो जाती इन चोणा क्यों नहीं रेगुलर होंगे समय से। अगली खबर थोड़ी जी चंगी है, चक्के गई कणक की फसल खराब होने की सूचना मिली सी, लेकिन हम खबर उल्ट भी है कि यही जिहड़े अजिहे मौसम पैदा हुई कणक और रिकॉर्ड पैदावार हुई है। इस बार जदों पिछले साल या अज के दिन तक की खरीद देखते हैं तो उसके नाल 1% ज्यादा जी है खरीद हो चुकी है। 124 लाख टन की खरीद हो चुके साल 100 तो ये सारा कुछ उसके बावजूद है जो मौसम खराब होया जिसके बारे मुआवजे बारे इन्ना रौला पैंदा रहा। हाले भी लग रहा है कि पंजाब सरकार मुआवजा देने तो थोड़ा जा हथ घुट रही है। अगली खबर माड़ी है, बल्कि एक नहीं दो खबर माड़िया ने। जड़ा रजौरी दे विच कल लांस नायक जसवीर सिंह शहीद होया सी, बिल्कुल नौजवान 16 च भर्ती होया सी, उहदा संस्कार किया। संस्कार दे विच मिलिट्री दे जिहड़े सन्मान होंदे ने बिल्कुल उस तरीके नाल जीत के उहदा पिंड बरनाले दे लागे उत्थे सन्मान नाल संस्कार होया। ये एक तो यह गल इस करके भी दस रहे हैं, पहला मैं दूसरी खबर दे रहा, एक तो संस्कार होया दूजी तैयार हो गया। यह है घगवान पिंड तलवाड़े के नेड़े, उत्थों का नायब सूबेदार जड़ा है वह बलबीर सिकल दे भी होया। हुण गल यह है कि जिस तरीके नाल पंजाब दे विच नौजवान नौजवान डेड बॉडीज आउंदियां ने शहीद होके आउंदे ने, उन्हां लोकां नूं जरूर जवाब देना चाहिए, चाहे तो फिल्म लाइन च बैठी है हो चाहे कितने होर बैठी है, जिहड़ी उस दिन इन्हां नूं कह रही सी कि अतवादी होंदे ने, ये खालिस्तानी होंदे ने, ये होंदे ने खालिस्तानी, दिओ जवाब हुण किहदे आउंदे ने। जिहड़े बंदे राष्ट्रवाद दीआं गल्लां करदे ने उन्हां दे घर च कितने बैन पए ने, उन्हों का बच्चा कोई फौज जाता है, ये दिस ये भी तो गल मीडिया होनी चाहिए है। खैर आप हम अगली खबर, अगली खबर सुखपाल सिंह खैरा दी। खैरा पलत तो MLA है, वह कहता भाई तुसी गल्लां सरकार एक करी जाती है कि असी मुआवजा देवे, मुआवजा तो दोगे जो गिरदावरी कराओगे, तो गिरदावरी हो नहीं रही सी ते उहदे लई एक SDM प्लस के सामने प्रदर्शन किया, लोगों के सामने ही लाइव होके SDM नू संजीव कुमार नू फोन किया, जिहड़ा वह फोन सी उहनू लैके SDM ने शिकायत की सी कि मैनू धमकियां दित्तियां ने MLA ने, और ये गल सुखबीर सिंह सुखपाल सिंह खैरा ने भी कही सी कि मैनू फड़िया जा सकता, वो तो कई होर धारावं लातिया सी, ते फिर वह गए कोर्ट के सैशन जज कपूरथला ने कल जमानत दे दी, यानी हुण एक बड़ी राहत मिल गई। वैसे इत्थे सारी कांग्रेस पार्टी इहदे सुखपाल सिंह खैरा नाल सी, ते सुखपाल सिंह खैरा ने यह कहा सी कि SDM दे तां मोढे ते रख के चलाई जा रही है, असल दे विच मसला तो यह है कि मैं गवर्नर साहब नूं मिलके कटारू चक का मसला उठाया सी, तां करके ये बदला लो कार्रवाई है। कुछ भी हो गए ये तो जड़ा है हुण जमानत मिल गई, ये सरकार च कुछ भी पॉसीबल होंगे ना। देखो शेरां वाली है, उन्हें फड़िया भी तू बाहरला बंदा क्यों आया, चोण जाब्ते लंघना है, वो ही केस हो गया, इस तरह हो जाए। हुण नवजोत सिंह सिद्धू की खबर गुजारी, सिद्धू साहब कहते कि मेरी सिक्योरिटी घटाती, जदों मैं जेल च गया सी जेड प्लस सी, हुण बाई करती,
ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ 24 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੂ ਦੂਜਾ ਮਰਵਾਤਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਮਰਵਾਉਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਮਰਵਾਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। 18 ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੁਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵਸੂਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫਰੋਤੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਡਿਊਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਚਟੇਤੀ, ਸੰਪਤ ਨਹਿਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਰੁੱਪ 8 ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੇ ਕੱਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ, ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੋੜੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ LG ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ MCD ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਖੈਰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਲਈਏ 17 ਮਈ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ, 145 ਕੇਸ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ 'ਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਖਬਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੁੜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਿਮਾ ਮੀਨਾ, ਹਿਮਾ ਮੀਨਾ ਜੀ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ, 30,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ 'ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, 65 ਕੁੱਤੇ ਹਰ ਅਲੱਗ ਨਸਲ ਦੇ, ਗਊਆਂ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ, ਤੇ 11 ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, SUV 7 ਕਾਰਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂ, 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਉਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਭਾਰੂ ਰਹੇ ਸਾਰਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੈਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲਦੇ 8:40 ਖਬਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ੋਅ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 5:30 ਵਜੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਜ 4 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।